अच्छा कोई बताइए, आपका फोटो का बहुत उपयोग हुआ आपके वो रॉड वाला और पट्टी बंदी हुई वाला। और क्या कहना चाहते हैं, आज जब मामला सामने आया है, तिस्ता भी जेल में है और ये चीजें बहुत सामने आई हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी तस्वीर के बारे में और गुजरात के बारे में 2002 के बाद काफी झूठ चल रहा था और गुजरात को बदनाम करने के लिए काफी वो चल रहा था। लेकिन मुझे क्या है, गुजरात के मीडिया ने कभी साथ नहीं दिया, क्योंकि मेरी तस्वीर देश विदेश में सब दिखाते थे, लेकिन गुजरात का मीडिया कभी मेरा इंटरव्यू लेने या और सच्चाई दिखाने का मुझे मौका ही नहीं मिला था। काफी मेरी तस्वीर को तिस्ता शीतलवाड़ और मीडिया वालों ने काफी यूज किया था और उसमें मुझे बहुत बड़ा आतंकवादी और बजरंगगढ़ का एक्सप्री सैनिक दिखाते थे और मेरी तस्वीर को नरोड़ा पार्टी और गुरुकल सोसाइटी में यूज करते थे। ऐसा तो क्या दिक्कतें हुई आपको? दिक्कतें तो बहुत हुई, उसकी तो परेशानी की तो बात ही मत पूछो। FRI हुई, जेल में गया, एक बार फायरिंग हुई, ऐसा। लेकिन सबकी मैंने, सब आफतों का मैंने सामना किया है और वो भी मैंने अकेले ही किया है, इसमें मुझे किसी का साथ नहीं मिला गुजरात में। नहीं दूध के कोई ठेकेदार कभी मेरे पास आए, ना समाज का कोई ठेकेदार मेरे पास आए। मेरे को, मुझे सिर्फ यहाँ के हमारे हिंदू और मुस्लिम जो सामाजिक कार्यकर्ता थे हमारे इलाके, वही लोगों ने मेरी सब सहायता की है। कोई कौमवाद बिना कोई जातिवाद नहीं देखा, हिंदू और मुसलमान हमारे सापुर इलाके के सब लोगों ने मेरी सहायता की। ऐसा तिस्ता ने आपको फंसाने की कोशिश की, क्या कहेंगे आप? देखिए, तिस्ता के बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं था ज्यादा, लेकिन 2002 के बाद अखबारों में काफी उसका नाम आता था। वो कोई NGO चलाती है और बॉम्बे में जस्टिस पिंग बोर्ड ऐसा कुछ नाम है, तो काफी उसका नाम यहाँ गुजरात के अखबारों में आता था कि गुजरात को किस तरह बाहर, गुजरात के बाहर बदनाम करती है दंगों को लेकर। और वो दंगों में सबसे ज्यादा मेरी तस्वीर यूज करते थे, मेरी तस्वीर को कुतुबुद्दीन अंसारी की तस्वीर के साथ में जोड़ के इस तरह दिखाते थे कि देखो गुजरात में मुसलमानों पर कैसा अत्याचार हो रहा है, मतलब मुझे हत्यारे के रूप में दिखाते थे ये सर।